जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सहित डिवाइन गेसिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की निष्कान फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सहित डिवाइन गेसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद के श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुन राधा कुन गिरी गोवर्धन के श्री वृंदावन धाम के श्री श्री नवदीप माया प्रधाम के श्रीमती तुलसी देवी भक्ति देवी की गंगा जमुना माई की गौर प्रेमानंदे श्री श्री कृष्णबराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की श्री श्री गौरनिताय की श्रील प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी ऑल द गुरु अनुग्रह की जय श्री प्रभुपाद। लाउडर चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विसे नमः। वाक्षाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आज हम
चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय दो श्लोक प्रारंभ करेंगे 52 से 52 से। इस अध्याय का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम पहले आवृत्ति करते हैं प्यार की। एस बार दर्शने ते याचे माया गंध तुरिय कृष्णर नाही माया रस बंध एस बार दर्शने ते याचे माया गंध तुरिय कृष्णर नाही माया रस बंध एस बार दर्शने ते आछे माया गंध तुरिय कृष्णर नाही माया रस बंध पास जो पुस्तक है इसमें कुछ भिन्न रंग से लिखा गया है तो मैं इसी को पढ़ूंगा अन्यथा हम ए यह स्वभार सभी के दर्शनेते देखने में आछे है माया गंध माया से संबंध तुरिय चौथा कृष्णेर भगवान कृष्ण के नहीं है मायार भौतिक शक्ति का संबंध। अनुवाद और हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का संबंध माया से है, किंतु इसके ऊपर चतुर्थ आयाम में भगवान कृष्ण हैं जिनका भौतिक शक्ति माया से कोई संपर्क नहीं होता। तात्पर्य कारणोदक साई विष्णु गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु इन तीनों पुरुषों का संबंध भौतिक शक्ति माया से है, क्योंकि माया द्वारा ही
ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। ये तीनों पुरुष जो कि क्रमशः कारण, गर्भ तथा क्षीर सागरों में शयन करते हैं, प्रत्येक वस्तु के परमात्मा हैं। कारणोदक शायी विष्णु सामूहिक ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, गर्भोदक शायी विष्णु सामूहिक जीवों के और क्षीरोदक शायी विष्णु प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के परमात्मा हैं। ये सभी भौतिक शक्ति के कार्यों के प्रति किसी न किसी रूप में आकृष्ट रहते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इनमें माया के प्रति कुछ स्नेह है, किंतु स्वयं कृष्ण की अपनी दिव्य स्थिति माया से तनिक भी रंजित नहीं है। उनकी दिव्य अवस्था तुरीय अथवा चतुर्थ आयाम की अवस्था कहलाती है। इस अध्याय में यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, यही बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आप लोगों की जानकारी के लिए इस ग्रंथ की रचना कृष्णदास गोस्वामी राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर, आप लोग कभी राधा कुंड श्याम कुंड का विजिट करते हैं तो वहाँ एक घाट है श्याम कुंड में, जहाँ पर श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन स्नान करती हैं। राधा कुंड में तो स्नान करती हैं लेकिन उसके अतिरिक्त श्याम कुंड पर एक घाट है, वहीं पर पांच पांडवों का कभी वृक्ष भी दिखाई पड़ता था, तो लुप्त हो गए हैं पांचों पांडव तो उसी स्थान पर बैठकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की रचना की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दो पुस्तकों की रचना की है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण एक चैतन्य चरितामृत, जिसमें उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है, और एक और पुस्तक उन्होंने लिखा हुआ है गोविंद लीलामृतम, वो संस्कृत में है और ये चैतन्य चरितमृत बंगला में है। गोविंद लीलामृत संस्कृत में है, जिसमें कृष्णदास कविराज ने भगवान कृष्ण की श्रीमती राधा रानी की अष्टयाम लीला का वर्णन किया है, 24 घंटे को 8 भाग में बाँट कर, और प्रत्येक काल में भगवान की कौन सी लीला होती है इसका वर्णन उन्होंने गोविंद लीला मृतम में किया हुआ। यह ग्रंथ है। इस बात को बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही बात कहना चाहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। तो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन न करके उन्होंने चैतन्य कृष्ण के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में वर्णन किया हुआ। आप लोग भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम जानते हैं, भागवतम का एक अन्यतम प्रसिद्ध श्लोक है, एते चांस कलह पुंसर कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयंती जुगे जुगे। एते चांस कलह पुंस, गर्भोदक शायी विष्णु, क्षीरोदक शायी विष्णु, चाहे कारणोदक शायी विष्णु, ये सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, भगवान का एक अंश और उस अंश एक छोटा सा अंश है। एते चांस कलह, या तो जितने भी अवतार आप जानते होंगे या तो भगवान के कला हैं अथवा अंश हैं, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद्भागवतम के प्रत्येक पेज पर यह बात बताई गई है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, मूल भगवान है, आदि भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु के वर्णन डायरेक्ट न करके कृष्णदास कविराज इसी की बात की कहते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं,
और जो स्वयं भगवत्ता का प्रतिपादन कृष्णदास कुल गोस्वामी कर लेते हैं तो एक बात को नंद सूत बोली जा रे भागवते गाय, स्पष्ट है ना? नंद सूत बोली जा रे, जिस व्यक्ति को नंद बाबा का पुत्र कहकर भागवत में गान किया गया है, किसको कहा गया है नंद सूत? नंद सूत बोली जा रे भागवते गाय, भागवत में जिस व्यक्ति की का ग्लोरीफाई किया गया है, उनकी महात्मा का महात्म का वर्णन किया गया है और उनका नाम नंद सूत कहा गया है, से ही कृष्ण, वही कृष्ण नंद बाबा के प्रिय पुत्र नंद सूत, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, स्पष्ट है ना? नंद सूत बोली जा रे भागवते गाय, भागवत में जिसका वर्णन किया गया है और कहा गया है कि नंद बाबा के प्रिय पुत्र हैं तो से ही कृष्ण, वही कृष्ण अवतीर्ण अवतार लिए आज से लग थोड़ा सा ज़्यादा हुआ 500 वर्ष से, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई हुए। तो अब इस अध्याय में हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं यह कृष्णदास कविराज एक कथानक से प्रस्तुत करते हैं, वर्णन से। प्रसिद्ध कथा आप लोग जानते होंगे कि एक दिन ब्रह्मा जी, जब भगवान कृष्ण यमुना जी के तट पर बैठकर अपने गोप सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय एक दूसरे छीना झपटी भी कर रहे थे, कोई बच्चा छीन रहा था और ब्रह्मा जी आकाश में ये सब लीला देख रहे थे, हंस पर बैठे हुए उनका हंस हावरिंग कर आकाश में टिका हुआ था, देख रहे थे नीचे में भगवान की मधुर लीला। एक समय पे क्या किया भगवान ने कि मधुमंगल कुछ विशेष प्रकार की मिठाई अपने घर से बना कर लाए थे, उनकी माँ ने बना कर दिया था तो उस मिठाई को खाए के तो बहुत प्रशंसा होने लगी, गोप सखाओं में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वह प्लेट में था मुख्य रूप से वो मधुमंगल के, तो उसको लेने के लिए सब लड़के झपटने लगे, झगड़ा करने, मुझे दीजिए। वो हाथ में लिया तब तक क्या किया, भगवान भी छीन रहे थे, छीनते तो उसमें बचाने के लिए देना नहीं है, मधुमंगल उस मिठाई को मुँह में डाल दिए, मुँह में भगवान उस कृष्ण उस मिठाई को खाने के लिए इतने विह्वल थे, उसका आस्वादन करना ही है मिठाई, अब कैसे कर, मुंह में डाल दिया, अब क्या करेंगे? तो भगवान क्या उसे ऐसा पकड़ लिए, गला दबा दिए, तो उसके अंदर से निकाल कर भगवान खा लिए। ब्रह्मा जी आकाश में देख रहे थे, बड़े बड़े यज्ञों में वेद के प्रकांड विद्वान शुद्धि के साथ भगवान की आराधना करते, आराचना इन्वोक करते, आवाहन करते, भगवान सभी यज्ञ भूमि में नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते भी हैं, कितनी पवित्रता के साथ उसका गोबर और गाय के गोबर से लेपन किया जाता है, मंत्रों के साथ उसको प्यूरिफाई किया जाता है और भोग कितना पवित्र जन, और वह भगवान जो कि वेद द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा जिनका आवाहन करके बुलाया जाता है, उस मोस्ट लाइकली प्रकट तो नहीं आते हैं, अच्छा कभी कभी आ वे, वह भगवान एकदम झूठा, वही गर्हित झूठा, ऐसे थोड़ा खा कर काट कर दिया तो दूसरी बात है, एकदम सीधे अंदर गया हुआ है, लेकिन वो तो उमटिंग जैसा उसको खा। ब्रह्मा जी अब तक तो भगवान के अवतार के समय क्षीर सागर के तट पर सभी देवताओं को लेकर गए थे, प्रार्थना किए थे भगवान के अवतार लीजिए, वही भगवान जब देवकी के गर्भ में जेल में कारागृह में थे तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ कृतज्ञता ज्ञापन किए थे, हे भगवान आप कृपा किए कि हमारी प्रार्थना सुनकर आप एकदम अवतार ले नहीं वाले हैं देव जी के गर्भ में
प्रार्थना किए थे, एकदम सब कुछ विदित था कि भगवान है, लेकिन यह जब देखे लीला, यह एकदम गले के साथ उतरा नहीं ब्रह्मा जी के, यह भगवान नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पर। इतना एकदम गंदा अशुद्ध खा लेना, लेकिन जानते थे कि भगवान स्वयं भगवान ही हैं। शुरू से अंत अवतार लेने के समय यही लेकर देवताओं को गए थे, उन्हीं के प्रार्थना से गोपियों ने कहा ही तो कहा है ना कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना से आप अवतार लिए हैं, सुने हैं गोपियों ने कुछ कहा है इस विषय में, कौन सा श्लोक जिसमें ब्रह्मा जी, जिसमें गोपियाँ यह कहती हैं कि आप ब्रह्मा जी के प्रार्थना से जदुवंश में नंद बाबा के पुत्र बने हैं। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म धृक विखनसार्थितो, विखनसा अर्थित ब्रह्मा जी का एक विखन, ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना किया विखनसा अर्थित नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म धृक विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वताम किल। हे मेरे प्रिय मित्र कृष्ण, आप ब्रह्मा जी के प्रार्थना से यदुवंश में अवतार लिए हैं। बस विदित बात है कि ब्रह्मा जी भगवत्ता को जानते थे, लेकिन यह तो घटना घटी तो उनके गले से एकदम माथा फाटने लगा, ये गलत हो। लेकिन यह भी जानते थे कि भगवान है, भगवान की मधुर लीला, तो उनकी और इच्छा हुई कि मुझे और कुछ मधुर लीला, इससे भी मधुर लीला देखना है। तो उसने कहा कि भगवान तो जमुना जी के तट पर पुलिन पर खा रहे थे, और अभी भगवान गोचारण नहीं करते थे, छोटे छोटे बछरू चराते, बछरू चरा तो गो शिशु गाय के छोटे छोटे बच्चे तो चर रहे थे, घास खा रहे। ये लोग भगवान अपने साथ साथियों के साथ वो क्या कर खाने की लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी को अवसर या जोग सकते सभी बछड़ों को चुरा कर ले जाकर कहीं गुफा में बंद कर, बच्चे खा रहे थे, बाद में देख रहे थे, बाद लड़के देखे तो कहीं एक भी बछड़ा नहीं दिखाई पड़ता किसी को चारों तरफ तक। तो बच्चे रोने लगे, बछड़ों से प्रेम करते उनके गांव में, सुबह नंद गांव में चाहे वृंदावन में गोकुल में कौन क्या लेकर जाएंगे, माता पिता डांटेंगे बछरू ले गए थे वो खोकर आ गया तुमने जंगल में। तो लड़के सब भगवान भी रोने लगे, सभी बछड़े उनकी उन्हीं की संपत्ति थी भाई, उनकी तो भारी संपत्ति होती थी, बछड़े दिखाई तो रोने लगे। भगवान कहे कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग इंटरप्ट मत करो, व्यवधान मत डालो, आप लोग खातिर मैं जाकर ढूंढता हूँ। भगवान जंगल में वृंदावन जहाँ तहाँ ढूंढ रहे थे, पहाड़ियों में, जंगल में, गहरों में, जहाँ तहाँ गुफाओं में, बछड़े किधर गए कहीं दिखते नहीं। भगवान उधर ढूंढ रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी को अवसर मिला, सभी बच्चों को भी उठाकर जोग सकते ले चुरा ले। अब भगवान अकेले रहे, ब्रह्मा जी देखना चाहते थे अब अकेले क्या करते हैं। जैसे वो लीला आप लोग जानते हैं, भगवान अब सभी रूपों में हो गए, स्वयं बछड़े बन गए, बछड़े जो गोप सखा के रूप में हो गए, और गोप सखा जो लाठी लिए थे लाठी के रूप में भगवान हो गए, कपड़े के रूप में भगवान ही हो गए, जो गहने आभूषण पहने थे, यहाँ तक कि बछड़ों के गले में वो रस्सी बांधे थे उसमें घुघरू डाले थे वो भी भगवान ही हो गए, एकदम साक्षात भगवान, भगवान उस रूप में परिवर्तित, स्वयं भगवान ही उस रूप में हो गए। और भगवान की यह एक वर्ष तक लीला चली, सभी बछड़े और सभी उनके गोप सखाओ ब्रह्मा जी के कस्टडी में, ब्रह्मा जी कहीं गोप गुफा में ले जाकर जोग निद्रा में बछड़ों को सुला दिए थे। एक वर्ष लीला चलने के बाद ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि नहीं स्वयं भगवान हैं। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान तो छोटे ही थे, 5-6 वर्ष के अभी हुए थे, एक वर्ष तो इसी में बीत गया था। तो
इसके बाद भगवान के सामने आए। भगवान एकदम 6 बरस के बच्चे के ही रूप में थे। ब्रह्मा जी आकर एकदम अपना मुकुट भगवान दोनों पैरों के बीच में अपना सिर रखकर अपने दोनों हाथ से भगवान के चरणों के बैठन कर घेर कर रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। भगवान को है कि ब्रह्मा जी आप बड़े देवता हैं और मैं गोप बालक हूँ, ये क्या हमको आप कह रहे? वो कह रहे थे कि आप भगवान हैं। मैं कैसे भगवान, मैं तो साधारण एक गोप शिशु हूँ, नंद बाबा माँ यशोदा का पुत्र, हमको आप क्यों भगवान कहे? तो ब्रह्मा जी ने जो बात कही है भगवान के, आप भगवान हैं, स्वयं भगवान। तो ब्रह्मा जी भगवान के भगवत्ता का प्रतिपादन किए हैं, लेकिन लोक में प्रसिद्ध बात है भगवान कौन है, विष्णु भगवान है, चतुर्भुज भगवान है, सब लोग जानते हैं ना। भगवान विष्णु भगवान हैं, वही भगवान विविध रूप में अवतार लेते हैं, प्रसिद्ध बात है ना। जब अवतार की जरूरत होती है तो देवता लोग क्षीर शंख तट पर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान क्षीरोदक्षायी विष्णु आश्वासन देते हैं, वही अवतार लेते हैं। तो विष्णु ही रामादि मृत्यु शुकला, राम चाहे कृष्ण चाहे नृसिंह देव अथवा वामन देव, यही लेते हैं। तो सभी बातें भगवान स्वयं भगवान कौन है, सामान्य मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और कृष्ण और राम ये लोग अवतार हैं, यही। लेकिन इस धारणा के सर्वथा विपरीत ब्रह्मा जी स्थापित करते हैं, इन पीछे आप पढ़े होंगे, ब्रह्मा जी यही स्थापित करते हैं कि आप कृष्ण, आप स्वयं वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान एक ही भगवान आप अपने को विविध रूप में प्रकाशित कर, भगवान के दिव्य श्री विग्रह से, भगवान का जो दिव्य विग्रह है उससे एक ज्योति प्रकाश, दिव्य प्रकाश पुंज निकलता है, बहुत प्लीजिंग, उसी को निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है। और भगवान अपने एक अंश से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम परमात्मा है। लेकिन जो स्वयं भगवान हैं, खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वे वैकुंठ इत्यादि लोकों में अथवा गोलोक में व्यक्तिक रूप में विहार करते रहे, उनको भगवान कहता है। ताहार अंगेर शुद्ध कृष्ण किरण मंडल, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, और उनके शरीर से जो दिव्य अंग ज्योति शरीर से प्रकाश पुंज निकलता है निर्विशेष चारों तरफ, उसे इसको ब्रह्म कहा जाता है। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म निरूपण, उपनिषदों में वेदों में जिसको ब्रह्म कहा जाता है, निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, वह भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश पुंज है, ज्योति है। और परमात्मा अंतर्जामी जारे योग शास्त्रे कह, अंतर्जामी जारे योग शास्त्रे ते कह, और पतंजलि इत्यादि ने योग शास्त्रों में जिनको परमात्मा कहा है, से गोविंद अंश विभूते चहर, वे गोविंद के कृष्ण के हे कृष्ण आपका एक अंश मात्र हैं। से ही तो गोविंद संपादन कहें, अनंत स्फटिके जैसे एक सूर्य भासे तैसे जीवे गोविंद एक अंश प्रकाशित। भगवान दो नहीं है, सभी जगह भगवान दो नहीं, भगवान एक ही है। लेकिन अभी बात कही गई कि भगवान परमात्मा रूप से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिरे ज्ञानमपोहनम च। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं परमात्मा रूप से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ।
तो जीव तो अनेक हैं और सभी प्राणियों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो भगवान बहुत होंगे तब तो ना, एक भगवान आपके हृदय में, एक भगवान मेरे हृदय में, तो भगवान आप कहते हैं कि भगवान एक है। अवत अंतर्जामी जारे योग शास्त्री कहे, योग शास्त्र में परमात्मा जिसको कहा गया है हे कृष्ण कि आप परमात्मा और सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, वह आपका एक सामान्य विभूति है और उसको वर्णन करते हैं। शायद आप लोगों को कुछ लोग देखे होंगे, स्फटिक मणि सफ़ेद होता है, अनेक मणि 10-20-50 मणि यहाँ रख दीजिए और एक सूर्य एक है लेकिन वो सभी में प्रकाशित होता है। अथवा पात्र में बर्तन में रख लीजिए जल लिख लीजिए, सूर्य ऊपर है तो सभी पात्रों में सूर्य एक एक दिखाई देते हैं ना। इसमें हम देखते हैं यहाँ सूर्य है, उधर एक पात्र रखा उसमें सूर्य देखते हैं। तो जैसे अनंत अनंत मणियों में, स्फटिक मणि में एक ही सूर्य चारों तरफ प्रकाशित होता है, एक ही सूर्य सभी जगह दिखता है, ठीक वैसे ही भगवान एक ही हैं, भगवान दो नहीं हैं, लेकिन उनकी अचिंत शक्ति है कि अपनी अचिंत शक्ति से सभी प्राणियों के हृदय में भगवान परमात्मा रूप से निवास करते हैं। तो वे परमात्मा ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका नंद नंदन वसु नंद बाबा के आप जो पुत्र हैं अथवा माँ यशोदा के पुत्र हैं, परमात्मा उसका एक एक बहुत टाइनी एकदम छोटा से छोटा रूप है और उसी रूप से आप सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते। तो ब्रह्म जिसे कहा गया है तो आपके अंग की ज्योति है, छटा है, चारों निर्विशेष फैला हुआ है, परमात्मा रूप से जो आप निवास करते हैं सभी प्राणियों के, तो आपके एक अंश का अंग एक छोटा सा रूप है परमात्मा, जो कि उसकी विचित्र अचिंत्य शक्ति है और अचिंत्य शक्ति से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। और आप जानते हैं उसे पीछे कहा गया होगा, हम तो एक ही घंटे में सब कुछ पूरा करना होता है। ब्रह्मा जी संक्षेप में कहते हैं वहाँ जितने भी अवतार हैं, जितने भी सबके आप आश्रय हैं और सबके आप कारण हैं। पृथ्वी जैसे घट कुलेर कारण आश्रय, पृथ्वी पर जितने मिट्टी के पात्र हैं, मिट्टी के पात्र पहले मिट्टी के पात्र बन अभी भी बनता है, पृथ्वी पर जहाँ मिट्टी का पात्र है तो उसका उपादान कारण क्या है, किससे मिट्टी का पात्र कहाँ से बनता है, पृथ्वी। आपको मिट्टी का पात्र बनाना होगा तो आप पृथ्वी से ही लेंगे, और आपने मिट्टी का पात्र बना लिया तो उसे रखेंगे कहाँ। तो सभी अब देखिए जीव की तो बात नहीं, जो गर्भोदक साई कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु अथवा क्षीरोदक, उन सब के कारण माने उनके उत्पत्ति के सोर्स और फिर वो उनके आधार भी आप ही हैं। पृथ्वी ऐसे घट कुले कारण आश्रय, पृथ्वी जितने पात्र हैं सबका उपादान कारण उसी से, मिट्टी से ही मिट्टी का पात्र बना है और वो मिट्टी पर ही रखा है, पृथ्वी पर ही रखा है। आकाश में रखते हैं तो कुछ हो जाए, कुछ लोग थोड़ा ऊपर रखते हैं, कुछ चाहे क्या कहते हैं कि छीके पर भी रख देते हैं तो कहते हैं कि वो तो ऊपर लटा है, लेकिन अंततः आधार है पृथ्वी का है। तो जितने अवतार आप सुनते हैं सबके मूल उत्स सोर्स आपसे उत्पन्न हुए हैं और आप पर आधारित हैं। आप लोग जानते होंगे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सभी अवतारों के मूल अवतारी जहाँ से सभी अवतार प्रकट होते हैं स्वयं भगवान हैं, और ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान अपने को फर्स्ट एक्सपेंस जो करते हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन कौन को है, बलराम है।
सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान सभी अवतारों के मूल सोर्स हैं भगवान। तहार द्वितीय देह भगवान, आप भगवान का फर्स्ट एक्सपेंशन पहला उनसे विस्तार करते हैं श्री बलराम, बलराम के रूप में, बलराम जी भगवान बलराम के रूप में होते हैं। फिर बलराम से निकलते हैं चतुर्वी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और उसमें जो संकर्षण है, संकर्षण अपने को पुनः विस्तारित करते हैं, कृष्ण से बलराम, बलराम से समझिए चतुर्वी, चतुर्व्यूहों में से जो संकर्षण देव हैं बलराम, जिसको महासंकर्षण भी कहा जाता है, उनसे कौन निकलता है? उनसे कारणोदक साई विष्णु, और कारणोदक साई विष्णु से गर्भोदक साई विष्णु, जो गर्भ समुद्र में शयन करते हैं, गर्भोदक साई विष्णु और गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से, नाभि से एक कमल पद्म पुष्प उत्पन्न होता है, उस पद्म पुष्प के टॉप पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और एक फिर कारणोदक साई, गर्भोदक साई विष्णु का विस्तार एक क्षीरोदक साई विष्णु, जो भगवान एक क्षीर माने दूध का समुद्र है, और दूध के समुद्र में भगवान शयन करते हैं। तो जब जब भी इस प्राकृत जगत में कुछ पृथ्वी पर कुछ उपद्रव होने लगता है, ब्रह्मा जी अथवा देवता लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन को नहीं संभाल पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, यहाँ गलत लोगों का वर्चस्व हो जाता है, असुरों का प्रभाव हो जाता है तबाह, तब सभी देवता लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? एक बार उपद्रव हो रहा था तो सभी ब्रह्मा, सभी लोग जुटे, शिव ब्रह्मा और ये सब सभी देवता जुट कर के भगवान से कहना चाहिए, तो भगवान कहाँ कहाँ जाएंगे, किधर जा कि भगवान से प्रार्थना करना है, कहाँ भगवान से, किधर भगवान को मिले। ऐसे तो भगवान सभी जगह, तो शिव जी ने एक उपाय बताया, सभा में सब लोग मन आके भगवान से प्रार्थना करना है, भक्ति करना है, किस स्थान पर करें, कहाँ जाकर करें, कोई समझ में आते कहाँ मेरे किस जगह बैठ कर कहीं करना होगा ना, हरि व्यापक सर्वत्र सा, भगवान तो सभी जगह हैं, लेकिन वो प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? भगवान सभी जगह, दही में माखन सभी जगह होता है, होता है ना, लेकिन उसमें है तो अगर माखन दिखता तो है नहीं, जानते हैं कि माखन उसी में, उसे प्रकट करना होगा तो क्या करें, मंथन करना पड़ेगा, मंथन का भी कुछ कंडीशन है, जो गोप परिवार में जन्म लिया होता है, ऐसा नहीं कि दही लेकर मथने लगे मथिन कर, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, कितना उसमें पानी डालना चाहिए, और मंथन में धीरे धीरे ऐसे चलाते रहें तो नहीं निकलेगा, कितना उसमें गति होना चाहिए, सब जान पड़ता। तो शिव जी ने बताया कि भगवान तो भैया सभी जगह हैं, लेकिन हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हुई, मुझे बताया गया है कि यदि प्रेम से उनका गान किया जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो सभी देवताओं को अच्छी एक क्लू तो मिल गया भगवान को एकदम सामने कम से कम परसीव करने का, फिर भी स्थान का चयन तो लोग सुनते हैं कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो सब लोग क्षीर सागर के तट पर गए, और क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना किए। तो भगवान डायरेक्ट प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन दिव्य आकाशवाणी हुई, और उस बात आकाशवाणी को सभी देवता नहीं सुने, केवल ब्रह्मा सुने, और ब्रह्मा जी सुनकर सभी देवताओं को बताए कि हम लोग जिसके लिए आपसे प्रार्थना करने आए हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे जिस कारण के लिए, वो कारण ऑलरेडी भगवान को पता है,
और हम लोगों के प्रार्थना करने से पहले भगवान निर्णय ले चुके हैं। वसुदेव गृह साक्षात वे भगवान वसुदेव जी के गृह में क्षीरोदक साई विष्णु ने स्वयं भगवान क्षीरोदक साई विष्णु से ऊपर हैं, गर्भोदक साई विष्णु से ऊपर हैं, कारणोदक साई विष्णु से ऊपर कौन है, संकर्षण से ऊपर हैं बलराम, और बलराम से भी ऊपर हैं भगवान, वो स्वयं भगवान। और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान आएंगे तो अपने आप में सब जितना नाम सबको समेट कर साक्षात वसुदेव जी के घर में जदुवंश में अवतार लेने वाले हैं। आपके प्रार्थना करने से पहले हाँ, भगवान ने एक और बात आपसे कही है, हमसे कहा कि आप लोग भी पृथ्वी पर जाइए और देवताओं, आप लोग भी पृथ्वी पर जाइए भगवान की सेवा के लिए, पहले ही से हो जाइए, भगवान अवतार लेंगे तो सेवा के लिए चाहिए। और भगवान ने हमसे कहा है कि आप लोगों की स्त्रियां हैं, गोप देवांगनाएं हैं, देवताओं की जो स्त्रियां हैं, देवियां हैं, अप्सराएं, वे लोग भी जाकर जदुवंश में अवतार लें, क्योंकि भगवान अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार लेंगे तो अपनी अतरंगा शक्ति प्लेजर पोटेंशियल हिला नहीं सकते, स्वयं श्रीमती राधा रानी भी अवतार लेने वाले हैं। तो आप लोगों को भी जन्म लेना है मनुष्य के रूप में, और आपकी पत्नियों से जाकर कह दीजिए, शायद वो भी आई होंगी तो वो भी सुनती होंगी, नहीं आई होंगी वो शायद नहीं आई थी, ऐसा वर्णन नहीं है कि देवता लोग गए थे, देवियों का शायद वर्णन नहीं है, शायद कोई भी होंगी तो हमें पता नहीं, निश्चित से मैं तो वहाँ नहीं गया था तो पता नहीं। तो क्या हुआ कि आप तो ब्रह्मा जी यही कहना चाहते थे, ये सब तो ब्रह्मा जी सुने, तो आप स्वयं भगवान हैं, मैंने कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ब्रह्मा जी ने यह स्थापित किया कृष्ण स्वयं भगवान हैं, और जिनको नंद सुत बोली जा रहे भागवते गाय से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य निताय, जिनको वैदिक ग्रंथों में विशेषकर श्रीमद् भागवतों में जिन कृष्ण का वर्णन नंद सूत के रूप में, माँ यशोदा के पुत्र के रूप में जिनका वर्णन किया गया है, ये स्वयं भगवान है, और वही स्वयं भगवान से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अवतार नहीं लिए, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, कृष्ण के अवतार नहीं है, कृष्ण ही, केवल अंतर इतना ही है कि उस बार आए थे 5000 वर्ष पहले आए थे तो उनका सांवला रूप था, और इस बार उनका गोरा रूप है, कोई रंच मात्र भी चैतन्य महाप्रभु में और श्री कृष्ण में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आप लोग जानते हैं जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के साथ संवाद हुआ है वेंकट भट्ट गोस्वामी श्री संप्रदाय के, रामानुजाचार्य के संप्रदाय के, उस समय के रामानुजाचार्य पहले हुए थे, चैतन्य महाप्रभु पहले उनका अवतार लगभग 500-600 वर्ष पहले अवतार हुआ था, 500 वर्ष लग पहले, लेकिन उस समय परंपरा में रामानुजाचार्य की परंपरा में श्री संप्रदाय के समय अन्यतम आचार्य पद पर प्रतिष्ठित वेदों के शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, पारंगत विद्वान, पारदर्शी विद्वान वेंकट भट्ट गोस्वामी श्री रंगम में रहते थे और वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे। कथा आप लोग जानते होंगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा का चातुर्मास 4 महीने वेंकट भट्ट गोस्वामी के यहाँ व्यतीत किए थे, तो उसी 4 महीने के लगभग अंत में चैतन्य महाप्रभु का और वेंकट भट्ट गोस्वामी का एक संवाद हुआ है, टॉपिक यही है कि भगवान स्वयं भगवान। वेंकट भट्ट गोस्वामी
रामानुजाचार्य के परंपरा में थे और उस परंपरा में माना जाता है कि भगवान विष्णु लक्ष्मीपति वह स्वयं भगवान हैं। यह मान्यता और आइडियोलॉजी वेंकट भट्ट गोस्वामी की थी और सत्य, लेकिन यह जब संवाद हुआ भगवान ने चैतन्य महापुरुष सिद्ध किए वैदिक वर्णन के अनुसार, वैदिक कथानों के अनुसार कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं और उसको उन्होंने स्वीकार भी किया था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रभु कहे भट्ट तुम्हें ना कर यह संशय, ये वेंकट भट्ट आप संशय मत कीजिएगा, स्वयं भगवान कृष्ण यही तो निश्चय असन स्पष्ट है। बहुत जो यह कहा गया है एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसी को भगवान कहते हैं प्रभु कहे। प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु, प्रभु कहे भट्ट वेंकट भट्ट तुम्हें ना करी हर संशय, वेंकट भट्ट आप किसी पर रंच मात्र भी संशय मत कीजिएगा, क्या स्वयं भगवान कृष्ण यही तो निश्चय निश्चित बात है, सिद्धांत है भागवतों वैतिकों का, स्वयं भगवान कृष्ण हैं और आपके वर्षिपेबुल डीटी आराध्य देव विष्णु, भगवान विष्णु चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मीपति विष्णु कृष्ण के एक अंश के अंश के अंश हैं। प्रभु कहे भट्ट तुम्हें ना करिय संशय, स्वयं भगवान कृष्ण यही तो निश्चय। समझ में आ गया ना, कृष्ण स्वयं भगवान है और जो कृष्ण हैं नंद सूत बलि, जिनको वेदों में नंद सूत ऐसा यशोदा नंदन के रूप में वर्णन किया गया है, से ही कृष्ण वही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई वो चैतन्य नंद सूत बलि जारे भागवते गाई, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। तो लगता है कि हमें इस में जो कहना था थोड़ा सा तात्पर्य में प्रभुपाद जी यह कहते हैं जो इतने जीत वर्णन किया गया जो कारणोदक शाही ये, तो चूंकि भगवान सृष्टि के लिए सृष्टि का संचालन इन रूप में करते हैं तो भगवान माया को बहिरंगा शक्ति को स्वीकार करते हैं, तो कुछ अंश तक इनमें माया मतलब सुपरफिशियली लगता है, हालांकि तो उनमें माया नहीं है, लेकिन भगवान प्रकृति प्राकृत जगत का संचालन इन रूप में करते हैं तो सुपरफिशियली अंग्रेजी शब्द भी आ गया अपात दृष्टिकोण से बाहर बाहर ऐसे देखते हैं तो लगता है कि उनमें माया है, लेकिन वास्तव में उनमें भी माया है। लेकिन जो भगवान का दिव्य धाम है वैकुंठ आदि धाम है अथवा गोलोक इत्यादि, वहाँ तो माया का एकदम कुछ प्रवेश ही नहीं, अंशी नहीं, छाया भी नहीं वहाँ पर। तुरीय कृष्ण ना ही माया रसम, तुरीय फोर्थ डायमेंशन चौथी अवस्था, ये इसके अतिरिक्त उसमें थोड़ा भी माया का प्रवेश नहीं है, माया का गंध नहीं है, माया परिचय। लेकिन इन इन अवस्थाओं में जो माने कारणोदक शाही से प्रारंभ करके अवतार हैं इनमें माया का थोड़ा, देखिए शब्द का इसमें प्रभुपाद जी लिखे सुपरफिशियली, आप बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में उसे माया का इनका संसर्ग है, लेकिन वास्तविक रूप में विचार किया जाए तो उनमें भी माया का कोई संबंध नहीं है, माया का गंध नहीं है। फिर वैकुंठ में अथवा गोलोक में तो माया का कुछ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसी बात को कम से कम इस तैयार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहने का प्रयत्न, मैंने अपने ढंग से प्रयास किया कि हम कहना चाहते थे वो व्यक्त कर दें, लेकिन हो सकता है कि कुछ भाषा की इधर की नहीं समझ में आया है तो आए। आप में एक शब्द आया था चतुर्थ आयाम, उसके बारे में थोड़ा आयाम थोड़ा फिलॉसफिकल टेक्निकल सब आयाम को केवल अवस्था के रूप में, फोर्थ जो अवस्था है रजोगुण तमोगुण से एकदम फोर्थ अवस्था ट्रांसडेंटल अवस्था उसे कहते हैं। आयाम का अंदर विस्तार होता है,
जैसे आप लोग कहीं फोटो देखते हैं, फोटो मिलता है तो भगवान का फोटो लगता है कि वो पीछे थोड़ा सा वो पर्दे से आगे है, उसे थ्री डायमेंशन उसको कहते हैं, तीन उस आयाम वो फोटो होता है ना, एकदम फोटो ही होता है ऐसा देखता है ना, फोटो में देखे मरा हुआ तो लगता है कि श्रीमती राधा रानी थोड़ा सा आगे खड़ी हैं, थोड़ा सा जो पशु पक्षी हैं थोड़ा सा पीछे, तो इसको डायमेंशन कहते हैं। विस्तार से समझिए, ये ऑब्सोल्युटली यह टेक्निकल शब्द है, फिलासफिकल शब्द है, हम लोगों के मस्तिष्क में आना इतना ही समझिए कि विस्तार जो चतुर्थ अवस्था है, जो इधर से चालू करके वो कहाँ तक कि क्या हो कारणोदक साई विष्णु तक, उसके बाद यहाँ को एक दो तीन कहते हैं, एक मतलब क्षीरोदक, दो मतलब गर्भोदक, तीन मतलब कारणोदक, और उसके ऊपर फोर्थ डायमेंशन, उसके जो ऊपर है जो पवित्र धाम है वहाँ पर माया का क्षीरोदक, फोर्थ डायमेंशन विस्तार चाहे अवस्था के रूप में उसे कहा गया। ठीक है, तो और कुछ कहना नहीं है ना, यह अध्याय को समझना। नंद सूत बलिचारे भागवते गाय से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। ठीक है, लगता है कि अब कुछ नहीं है ना। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।